हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज है पितृ अमावस्या और हम सुबह सुबह गए थे देवतों पर और आकर की है पितृ अमावस्या की पूरी तैयारी। गाइस देखिए हमारे पट्टों की वीडियो। आज है श्राद्धों का समापन और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम है। बच्चों की छुट्टी भी नहीं है, इनको स्कूल भी भेजना है और हमें बहुत सुबह ही उठना पड़ा क्योंकि सारी जिम्मेदारी शादी के बाद आ जाती है बहू के सर पर और किसी को तो बहुत ही जल्दी मिल जाती है जिम्मेदारी। तो हम सुबह सुबह गए थे देवतों पर और वहाँ से आकर हमने की है रोटी निकालने की श्राद्धों की तैयारी। तो यहाँ पर जिस तरीके से निकाले जाते हैं, पहले आए हैं पत्ते तोरी के और उन पे निकली हैं 16-16 रोटियाँ और थाली में भी। और यहाँ पर सब्जी नहीं निकलती है तो खीर बनाई जाती है। तो सबसे पहले हरसी ही नहाया है घर में तो लड़के ही निकालते हैं रोटियाँ। इनके पापा हर तो गए हुए हैं घेर में और हमें सुबह ही एक काम करना था तो हमने हरसी से ही रोटियां निकलवा दी थी और जल सूर्य देव को दे दिया था। तो यहां पर दोपहर के बाद की क्लिप ली है मैंने, तो आज सांझी भी लगाई जाएगी। दोनों चीज आ रही है अभी अभी आपने वो रखी है सांझी, सबको दिख रहा है इसके लिए। इधर ही गई मम्मी डाल दी। अभी अभी आप थाली उठा रही हो, अभी अभी आपने हाथ लगाया। सांझी माता का मुंह ले ले, मेरा मुंह ले। तो शाम होने वाली है और मुझे लगानी है सांझी। सांझी हमने एक मिट्टी की नहीं बनाई है, खरीदी है मॉल की, तो यहाँ पर बिकने के लिए आती हैं। तो सभी ने गली में खरीदी थी, हमने भी खरीद कर रख ली थी और हम हर साल ही यहीं पर लगा लेते हैं सांझी मैया को। तो हमने घेर से मंगवाया है थोड़ा गोबर क्योंकि सांझी जब लगाई जाती है तो गोबर का यूज ज़रूर होता है। और पता नहीं आप सब बोलते हैं कि हम गोबर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब सांझी मिट्टी की बनती थी तब भी उन्हें गोबर से ही चिपकाया जाता था और मैं तो हर साल ही गोबर की सांझी बना कर लगाती हूँ, सांझी के भैया बनाती हूँ। तो मैंने तो गोबर के बना कर रखी थी टिकली भी और सांझी के भैया भी। तो यहाँ पर मैं सांझी लगा रही हूँ और वीडियो बना रहे हैं हर्षित और कान्हा, तो इसलिए वो बार बार कैमरा बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं। और मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, चलो कोई व्लॉग ही बना लेती हूँ जोड़ जोड़ कर छोटी छोटी क्लिप। तो यहाँ पर मैंने सांझी लगानी कर दी है शुरू। तो सांझी तो मेरी लग चुकी है, मैंने यहाँ पर अखबार को बिछा कर एक छोटा सा पत्थर रखा है, उसके ऊपर सांझी मैया को बैठा दिया है और चुनरी उड़ा दूँगी और गोबर के बना दिए हैं सांझी के भाई। मुझे भी ज़्यादा सांझी लगाने की प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि हमारे घर पर हमारे पीहर में सांझी नहीं लगाई जाती थी, तो ससुराल में ही लगती है। तो मैंने भी यहीं आकर कोशिश की है लगाने की और जब से शादी हुई है मैं ही सांझी लगाती हूँ। पहले तो मिट्टी की बना लेते थे हम छोटी सी और अब तो मोल की ही आती है कई साल से। तो यहाँ आज अमावस्या के दिन ही सांझी मैया लग जाती है तो रात को उनको रोटी का भोग लगाया जाता है क्योंकि अगले दिन सुबह से नवरात्रि आ जाते हैं। तो नवरात्र
सूत्रों में सांझी मैया व्रत रखती है। तो यहाँ पर रात हो चुकी है और सांझी मैया का वार्ता होगा, तो यहाँ मैं बच्चों के साथ वार्ता करवा रही हूँ। क्या मेरी सांझी ओढ़ेगी, क्या मेरी सांझी ओढ़ेगी, आरती ओढ़ेगी। हाथ जोड़ के बैठ जाओ। आरताई आरता मेरी सांझी माई आरता, कहा है कि बती मैया का है का दिवेला। क्या मेरी सांझी ओढ़ेगी, क्या मेरी सांझी पहनेगी, आवेगी। आरतारी आरता मेरी सांझी माई आरता। हाँ जोड़ लो, चलो आपका। चलो आ जाओ, चलो 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 आओ। नहीं नहीं, भोग तो लगा दिया सो मम्मी ने, अब बार बार अब तो सोएंगे, पूजा होगी, अब आ जा। अब हाथ जोड़ ले, सोमा मम्मी ने खवा दिया खाना। तो फ्रेंड आज हमें बहुत सारे काम करने थे, लेकिन हमें एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला है। और अमावस्या से पहले हमने की थी क्लीनिंग, तो हमारे जो डिब्बे हमने धुले थे वो पेटी में भरे रखे हैं, अभी लगाए नहीं हैं। और हमें माता रानी की चौकी लगानी थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा थक गए कि हमने सोचा सुबह को ही लगा लेंगे। और अब हम बना रहे हैं चौलाई के लड्डू। चौलाई के लड्डू बनाने हम पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। चौलाई तो हमने भुनी हुई मंगा ली है मार्केट से, और व्रत का सामान भी आया है तो उसी के साथ मंगा ली थी। और हम ने फ़ोन मिला दिया है घर पर मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी हर साल चौलाई के लड्डू बना बना कर दे देती है, और अब की बार टाइम नहीं लगा है। मम्मी के पास टाइम नहीं था, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और काम भी ज़्यादा है अब की बार। तो हमने सोचा चलो खुद बना लेते हैं लड्डू। तो यहाँ पर घर से गुड़ आया था, तो गुड़ की बना ली है हमने पात, और फ़ोन मिलाया हुआ है, सारा काम मम्मी से पूछ पूछ कर कर रहे हैं। और रात के बजे हुए हैं 10, तो हम रात को बना रहे हैं चौलाई के लड्डू व्रत के लिए, क्योंकि सुबह को व्रत शुरू हो जाएगा और चौकी भी लगानी है, और नवरात्रि पर सभी व्रत रखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, इतना तो हमें पता है। तो इसलिए हमने रात को ही सोचा चलो एक काम तो अभी पूरा करके रख लेते हैं। तो मम्मी से फ़ोन मिलाया हुआ है, और वीडियो कॉल से हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि हमने मम्मी इतना गुड़ चढ़ाया है, इतनी हमारी चौलाई है। तो मम्मी बेचारी वहाँ पे बैठी बैठी हमें बता रही है, और हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएँ। और अब की बार हमने सेकेंड बार लड्डू बनाए हैं मम्मी से पूछ पूछ कर, तो हमारे लड्डू अच्छे से बन चुके हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत टाइम लगा है। तो आगे की वीडियो मैं कल क्लिप में जोड़ दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं जोड़ी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को पूरा देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और चौलाई के लड्डू हमने सेकंड बार ही बनाए हैं, वैसे खाने में बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि हमने बच्चों को दिए थे बनाकर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पसंद किए हैं, और मम्मी से भी टेस्ट करवाया है। तो और अभी हमारी थोड़ी सी चौलाई पिन्नी में रखी हुई है, हमने पहले चौलाई जो बाज़ार से आई थी उसको छाना है। छानने के बाद हमने देखो छलनी भी रखी हुई है, क्योंकि हमें बिना छने को मन नहीं किया, तो जो गुड़ बचा है उसमें उसे मिलाकर भी बांध देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।